Hello you guys, I am Karishma. Welcome back to my YouTube channel. And those who are new, hi you guys, welcome to the family. And if you have not subscribed to my channel yet, please take a moment to subscribe to my YouTube channel. And on this channel, you are going to get all the information, updates, tips, and my guidance to make your preparation journey simple, easy, and happy. तो आई होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे हो. ठीक है, तो इस वीडियो में आज एकदम मेरा मन है सुपर चिल बात करने का, आराम से आपके साथ बातें करने का. तो मैं सबसे पहले तो आराम से बैठ जाती हूँ, ठीक है, पैर फोल्ड करके बैठ जाती हूँ. आप लोग भी आराम से बैठो, आज बातें बातें होने वाली हैं. हम लोग बात करेंगे मेरी पूरी जॉब की एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि RRB से और कैसी मेरी जॉब एक्सपीरियंस रही है. तो एकदम चिल आज वीडियो होने वाली है, तो आराम से बैठ जाओ. ठीक है, जल्दी जल्दी बताते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई वॉन्ट टू क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू इनिशिएटिव ऑफ ऑलिव बोर्ड. दे हैव कम अप विद फ्री ECGCPO ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, वेयर यू गेट 25+ लाइव क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेशंस, 100+ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोज, 320+ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट. एंड दैट इज नॉट ऑल, देयर इज अ स्पेशल फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड लास्ट 6 months ऑफ करेंट अफेयर्स, दैट टू 100% फ्री. सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव गाइज, क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन पिंड कॉमेंट. गो हेल्प योर सेल्फ एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाँ जी, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो या तो RRB अभी न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने, या फिर जो सोचते हैं ज्वाइन करने के लिए. क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन करना तो ऑब्वियसली पढ़ाई करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या चीजें होती हैं, है ना, क्या हमें किस तरह की पोस्टिंग मिलती है, किस तरह का काम मिलता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए. क्योंकि तब और इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और मजा आता है, और थोड़ी इनसाइट्स मिलती हैं अपनी जॉब के बारे में जो फ्यूचर में हमारी जॉब होने वाली है. तो यही सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. हाँ, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जो 2020 का नोटिफिकेशन था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसकी जो ज्वाइनिंग आई थी वो मेरी जून 2021 में ज्वाइनिंग आई थी, और मार्च में मेरा रिजल्ट आया था. तो अप्रोक्सीमेटली देखो, मार्च से लेकर जून तक की मेरी टाइम लग गया था ज्वाइन होने में. मई में आई थिंक 4 या 5 मई को DV हो गया था, और उसके बाद फिर जून 7 को मैंने ज्वाइन कर लिया था अपने ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में. तो सबसे पहले जो मेरी पोस्टिंग मिली थी मुझे रीजनल ऑफिस में मिली थी वो पोस्टिंग मेरी, और उसके बाद फिर मैंने ब्रांच में ज्वाइन किया. तो मेरे पास दोनों चीज का एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो तो आपका क्या एक रोल रहता है, ठीक है, वहां आपको किस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, और अगर आप एक ब्रांच में हो, ब्रांच बैंकिंग करते हो, तो वहां किस तरह की चीजें होती हैं. ये अभी तक मुझे किसी रूरल ब्रांच में पोस्टिंग नहीं मिली है, तो मुझे रूरल एरिया का ज्यादा आइडिया नहीं है कि वहां पर क्या हर्डल्स मिलते हैं. एंड यस, बहुत लोगों को बहुत शॉकिंग लगेगा कि यार RRB और रूरल नहीं मिला क्योंकि उसका नाम ही रीजनल रूरल बैंक है, लेकिन नो, ऐसा नहीं होता है. हमारे जैसे 90% तो हमारी जो ब्रांचेस होती हैं वो रूरल पार्ट में होती हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी 10% बच गई वो सेमी अर्बन एंड अर्बन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, मोस्टली तो रूरल ही है. बट मुझे नहीं मिली अब तक कोई रूरल ब्रांच. तो फिलहाल मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको अगर बताऊं तो कि मेरी मम्मी का फोन बज रहा है, एक सेकेंड, हाँ बंद हो गया. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना कुछ था नहीं जब मैंने, मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस मेरी थी नहीं RRB से. आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस, मैंने ऐसे सोचा था कि नहीं मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना है, नहीं मैं और मेहनत करूंगी, एंड आई नो अदर हैव मोर पोटेंशियल, तो मैं फिर आगे IBPS में या SBI में ही ज्वाइन करूंगी, या फिर और किसी इंश्योरेंस वाले एग्जाम में मैं ज्वाइन करूंगी, मैं RRB नहीं ज्वाइन करूंगी. बट फिर मैं ऐसी पहली लड़की थी अपने परिवार में से जिसकी कोई सरकारी नौकरी लगी थी, या फिर जिसने कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके कोई नौकरी ली थी उन्होंने. तो मेरे परिवार के लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए, मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी, और मेरे पापा को बड़ा ऐसा था कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए कोई इस तरह की, अगर आपको जॉब मिलती है. आजकल बहुत मुश्किल है, और उस टाइम वो कोविड का टाइम था, आपको पता है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों की जॉब्स जा रही थी उस टाइम पे, सब चीजें हो रही थी. तो पापा ने बोला नहीं नहीं आपको ज्वाइन बेटा करना ही चाहिए, एंड हम आपको ऐसे नहीं लीव करने देंगे, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. तो चलो ठीक है, ज्वाइन कर लेते, पहले देखते हैं कि कहाँ मिलता है. तो जब आया
मेल कि आपको ये वाला रीजनल ऑफिस अलॉट हुआ है, तो फिर से थोड़ी सी ऐसा हो गया कि नहीं जाना है मुझे, इतनी दूर है मेरे घर से। बट पापा ने फिर फाइनली कन्विंस किया, मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं, देखते हैं कि मतलब किस तरह से होगा क्या होगा। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात तो मैं प्रोसेस का थोड़ा बता दूं, तो सॉरी थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है चीजें, क्योंकि इतनी सारी चीजें मुझे याद आ रही है ना, ये बताना है ये बता रहा है, तो बहुत इधर उधर हो जा रहा है। बट एनीवेज सबसे पहले क्या करना होता है ना कि आपको रीजनल ऑफिस में, जो भी आपको रीजनल ऑफिस मिला है, सबसे पहले वहां आपको जाना होता है और वहां रिपोर्ट करना होता है। तो मैं रीजनल ऑफिस पहुंची और उसके बाद फिर पूरा दिन उस दिन का लग जाता है आपका रीजनल ऑफिस में। हम सुबह पहुंच गए थे 10 बजे की हमारी रिपोर्टिंग थी और शाम को 5 या 6 बजे तक हमें सब चीजें अलॉट होकर खत्म हुआ था। हमारा पूरा दिन उस दिन चला गया था। ऐसा होता है कि आपको जैसे आज, जैसे मेरा 7 जून 2021 मेरी ज्वाइनिंग थी वहां पे रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना था, और अगले ही दिन आपको आपकी जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है, जो आपको अलॉट हुआ है, आपको उसमें अगले दिन जाके रिपोर्ट करना होता है। तो अगले दिन जाके फिर वहां मैंने रिपोर्ट किया और उसके बाद पूरा 10 to 5 या 10 to 6 पूरा टाइम होता है। लेकिन उस टाइम जल्दी थी, थोड़ा एकदम नया नया हमने आए थे और कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ रहना है, क्या घर मिलेगा, कहाँ पे रहना है। अच्छी बात ये थी कि मम्मी पापा साथ आए थे, तो जब मैं ऑफिस में होती थी वो बेचारे घर ढूंढ रहे होते थे यहाँ पे घूम के। और यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था कि कोई ब्रोकर है उससे बात कर ली, ऑनलाइन कुछ देखे तो इतना नहीं। और मम्मी पापा को फिर भी इतना टैक्स सेवी नहीं है वो, तो उनको इतना नहीं समझ आता था कि फिर ये लोकेशन कैसे, फोन ऑन भी बात करते करते जाते थे। तो यहाँ पे कैसा होता था कि आपको ना लोगों से पूछने पड़ते हैं घर। मान लीजिए जैसे कि कोई दुकान वाला है, उससे कह दिया कि आपको यहाँ पे कोई घर पता है, लोगों को ऐसे ही पता होता है यहाँ पे घर। क्या काम रहता है मेनली मैं आपको बता देती हूँ। ऑफिस में जब मैंने काम किया तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि यार ये सब भी हो रहा है क्या। हमें तो ये पता होता है कि बस पैसे निकाले, पैसे दिए, इतना इतना, ये सब थोड़ी चीजें होती है, एनपीए वगैरह, बाकी और चीजें पता नहीं होती। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्लानिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है जिसको पीएनडी बोलते हैं, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट ऑब्वियसली वो अलग है, आपका लोन सेक्शन है वो अलग है, ठीक है। और आपका विजिलेंस वाला एक पूरा सेक्शन होता है जहां पे कंप्लेंट्स वगैरह सब रिजॉल्व होती हैं। रिकवरी वाला सेक्शन होता है, वो अलग सेक्शन होता है आपका। तो मेरे को जो अलॉट हुआ था वो रिकवरी सेक्शन हुआ था। तो मुझे रीजनिंग ये दी थी आरएम सर ने कि आप बोलने में थोड़ा तेज लगती है और आप ऐसे कि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर लोगे, तो आपका स्टार्टिंग का काम ये रहेगा कि आपको हम लिस्ट दे देंगे और कस्टमर्स की जिनके अकाउंट्स एनपीए हो रखे हैं, और वो किसी स्कीम में, कोई स्कीम्स होती है ना बहुत सारी, जैसे कि सेटलमेंट स्कीम्स होती हैं, तो मेरे को स्टार्टिंग में काम वो बोला था कि आपको सेटलमेंट स्कीम्स में फोन करके उनको बताना है कि ये सेटलमेंट्स आपके अकाउंट्स में हो सकता है, इतने पैसे आप देंगे। मान लीजिए किसी का 4 लाख का लोन है तो आप उसको 25% पे वो करा सकते हैं अपना। तो इस तरह का काम मेरे को स्टार्टिंग में मिला था, तो मुझे कॉल करनी होती थी ऑफिस में। और क्या काम होता था मतलब ऐसे कि ज्यादातर ना वहां पे मुझे ना कॉलिंग वाला ही काम लगता था, वो कि सबसे खराब मुझे वही काम लगता था, कॉलिंग वाला। आपको ब्रांचेस को फोन करना है, आप उनका कॉल आएगा आपको रिसीव करना है, और उनकी कोई क्वेरीज हैं वो आप कुछ पूछेंगे, मैम ये वाली रिपोर्ट भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो वो उनको सबको रेस्पॉन्ड करना है। अगर उन्होंने कोई आपसे रिपोर्ट मांगी है तो उनको रिपोर्ट देनी है। अगर आपको उनसे कुछ चाहिए कि सर ये वाली रिपोर्ट भेज दीजिए, हेड ऑफिस भेजनी है, तो वो आपको रिपोर्ट्स भेजेंगे, या फिर उनको कुछ बताना है कि सर आज ये वाला, जैसे कि मान लीजिए कि आज रिकवरी कैंप लगना है, तो सर आज रिकवरी कैंप है, आप कितना रिकवरी करवा रहे हैं बताइए, थोड़ा एक गाइड हमें, मतलब इस वाले अकाउंट में कितना जाएगा, देखिए इस वाले अकाउंट में ये करवा लेना, तो मतलब इस तरह से उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। ये सब कॉल करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मोस्टली ये होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है चीजों को, आपको उनको कुछ डायरेक्शंस देने हैं, आपको उनसे चीजें पूछनी है, उनको कुछ चीजें बतानी है कि ये चीजें गलत हो रही हैं अकाउंट में। कई मान लीजिए ब्रांचेस को नहीं आइडिया हो रहा है, क्योंकि जो हेड ऑफिस से जो भी चीजें आती है वो रीजनल ऑफिस में आती है, तो ये सब चीजें वहां पे मोस्टली काम हुआ करता था। तो जो रीजनल ऑफिस है वो एक तरह से ब्रिज है ब्रांचेस और हेड ऑफिस के बीच का। तो क्योंकि ब्रांचेस काम तो सारा ब्रांचेस पे ही हो रहा है ना, जो भी आपका एनपीए हो रहा है या फिर आपके लोन्स बट रहे हैं, आपका कुछ भी कोई भी काम हो रहा है, डिसीज क्लेम हो रहा है कुछ भी, तो वो सारा हो रहा है ब्रांचेस में। तो ये वहां पर जब काम किया, ऑब्वियसली एक बहुत ही शांत सा, बहुत ही, सब लोग बहुत सिंसियर लोग होते हैं जो रीजनल ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हर जगह रीजन होते हैं, लेकिन वहां पे बहुत शांति, बहुत कामनेस, सबको अपने अपने काम से मतलब है, सब अपना काम में लगे हुए हैं पूरे टाइम, और बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं। जब आप ब्रांच में हो तो आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा इतना ऐसे नहीं होता है कि आपके ऊपर एक बर्डन है कि या फिर एक इस तरह का कॉन्स्टेंट है कि आपको 7 बजे तक बैठना ही बैठना है, क्योंकि वहां पर काम इस तरह का आ जाता है कि मान लीजिए आप पूरा 12 से मान लीजिए आप 4 तक बिल्कुल फ्री थे, लेकिन 4 बजे आ गया कि आपको आज ही डेडलाइन है रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो आप वो रिपोर्ट बनाएंगे, डेटा ढूंढेंगे, इतने पुराने पुराने डेटा होते हैं वो फाइल्स निकालनी पड़ती हैं और ये सब, तो वहां पर इस तरह का कॉन्स्टेंट हो जाता है। लेकिन ब्रांचेस में, जब मेरे ब्रांच में ट्रांसफर हुआ, तो ब्रांच में एक्चुअली फील हुआ कि यार
ये है एक्चुअल बैंकिंग. यू नो, आप पासिंग पे बैठते हो, आपको एज अ ऑफिसर रिकॉग्नाइज किया जाता है. ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपको वही डेटा शीट हर किसी को बनानी है और हर किसी को वो डेटा और फाइल्स के ऊपर ही काम करना है, कॉल्स करनी है, तो इस तरह का कुछ फीलिंग वहां पर आती नहीं है ऑफिसर वाली. लेकिन जब आप ब्रांच जाते हो तब येस, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ती है, आपको डिसीजन भी मेक करने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करने पड़ता है अपने क्लरिकल स्टाफ के साथ, अपने और सीनियर स्टाफ के साथ आपको पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो सब, और हमेशा लाइवली माहौल रहता है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, कभी किसी का थोड़ी बहुत बहस हो जा रही है, कभी किसी का बहुत हंसी मजाक हो जा रहा है, ठीक है, आप उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हो. तो बाद में जब आप घर पहुंचते हो, तो जब आप ब्रांच से मतलब अपना सामान पैक कर रहे हो, तब बहुत सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है वो वहां से उस काउंटर से उठना, क्योंकि आपने सारे दिन मतलब नॉन स्टॉप वो काम किया होता है, आपने लोगों को सर्व किया है वहां पे, आपने उनकी क्वेरीज भी सॉल्व की है कुछ तो. और ब्रांच में खुद ही मतलब कभी किसी से हंसी मजाक हो जा रहा है, आसपास सब लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो बहुत लाइवली और चिल माहौल रहता है, तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है काम करके. तो अब एज आरआरबी मुझे क्या डिफरेंस, मुझे क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं लग पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 अच्छा निकला है. कि रूरल ब्रांच में तो मैंने अभी तक काम किया नहीं है, बाकी कोई भी डिफरेंस जब आप एक बैंक के अंदर पहुंच जाते हो, जब आप बैठ गए हो वहां जाके उस चेयर पे, तो फिर उसके बाद तो कुछ लगता ही नहीं कि यार आप रीजनल, आप लाइक रूरल बैंक में बैठे हो या फिर आप किसी नेशनलाइज बैंक में हो, आप SBI में हो, या पता ही नहीं चलती वो वाली फीलिंग. और बड़े हम्बल कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे मैनेजर सर और मतलब मेरा पूरा स्टाफ इतना अच्छा है, तो ऐसी कोई ऐसी तरह का कुछ मुझे लगा नहीं. क्योंकि देखो वो लोग जितने भी स्टाफ हैं, वो लोग सब वही लोग हैं जो IBPS भी दे चुके हैं, SBI भी दे चुके हैं, और बाकी और एग्जामिनेशन दे चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग भी तो हैं उसी लेवल वाले एग्जाम के लोग ना. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आरआरबी में आपको कुछ कम के लोगों के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशंस मत रखना, सब लोग बहुत अच्छे और काबिल लोग हैं, और सब लोग बहुत हेल्पिंग भी होते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है ओवरऑल. बस ये है कि हाँ, जो लोग, यही है कि रीजनल बैंक का काम मतलब ही पूरा वो है कि यहाँ पे बहुत ही लोकल लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका एकदम पूरा बढ़िया से नेटवर्क होता है, जानते हैं सबको. बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके पास आके कोई कस्टमर या कोई भी बात करने लगेगा तो बोलेंगे अच्छा वहां से है, उनके यहाँ से, अच्छा उनको हम जानते हैं, जानते हैं, तो ये सब बातें बस हो जाती है, तो और लेफ्ट आउट फील होता है. बस अगर यही है कि अगर आप किसी रीजनल बैंक में हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास अपने सिटी के हों, ताकि आप और एंजॉय कर पाएं. तो बस यही है, अब मैं IBPS ज्वाइन करूंगी कि नहीं, ये आपको अपकमिंग डेज में पता चल ही जाएगा कि क्या ये है. बस मुझे ये बहुत, जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है तब से मुझे ये पता चल गया है कि बहुत 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 जरूरी है कि आप ना इस बात को बहुत सीरियसली लें कि आपका जो बैंक होगा, अगर आप एक रीजनल बैंक में जा रहे हैं, या फिर आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करती है यार, लॉन्ग रन में तो बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ पोस्टेड होंगे, आप अपने घर के कितने पास हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों के कितने पास हैं, ये सब चीजें मेरे लिए तो बहुत जरूरी हैं. तो मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा हो कि मैं बस अपने घर के पास चली जाऊं कुछ टाइम, तो मतलब मैं उस चीज का सुकून अपने पेरेंट्स को भी दे सकूं कि हाँ मैं उनके पास हूं, और अभी तो फिलहाल बहुत दूरी है. तो आई थिंक जितनी भी चीजें थी, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया है. एंड एज आई सेड कि बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग इस जॉब को, और बहुत ही अंडर रेटेड है, बट एक्चुअल में सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बिल्कुल सिमिलर ही है. बस थोड़े बहुत पर्क्स हैं जो रेंट नहीं देती है पर्क्स में, वो ये, वो उसका ऑब्वियस रीजन है यार कि रीजनल बैंक है, तो कोशिश रहती है, वो ये रहती है कि आप अपने घर के पास होंगे, ठीक है, आप अपने शहर में होंगे, तो फिर देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, विच इज राइट आई थिंक. तो बस यही कुछ एक पर्क्स हैं जो आपका डिफरेंस पड़ता है, अदरवाइज तो सारे पर्क्स अच्छे हैं, ध्यान भी रखा जाता है अपने एम्प्लॉयज का, तो ओवरऑल अच्छी जॉब है, काफी अच्छी जॉब है. तो बिल्कुल भी इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि अगर मैंने नहीं ज्वाइन किया होता तो मुझे ये एक्सपीरियंस ही नहीं पता चलता, मुझे ये चीजें ही नहीं पता चलती. तो येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस. सो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स. और कहीं भी चले जाओ यार, आपका पोटेंशियल थोड़ी कम होता है, आपका पोटेंशियल तो वही रहता है जो आपका है. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ जाओगे तो फिर और कुछ जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे. आई थिंक विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. आई थिंक बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था आप लोगों से बात करने का, सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब करी है. अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, इतना चीजें शेयर करके. आई थिंक आप लोगों को भी इतना अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिर मैं और कोशिश करूंगी आपको और अच्छा फील कराने की. ठीक है,
तो विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए. ठीक है, चलिए, बाय बाय.